हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंप हेड कैलकुलेशन के बारे में। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि पंप हेड कैलकुलेशन पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो फाइनली मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस पर मैंने काफ़ी मेहनत किया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना शुरू से आखिरी तक, अच्छे से स्टेप बाई स्टेप समझना ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पंप हेड कैलकुलेशन हम करते क्यों हैं। पंप हेड कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई पंप है तो पंप का काम क्या होता है कि लो प्रेशर वाटर को कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर वाटर में वो बदल देता है। जिससे कि मान लीजिए कि आप पंप रूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे है और आपको फोर्थ फ्लोर पे पानी को डिस्चार्ज कराना है। फोर्थ रूम पे जो एचयू लगा हुआ है उसको पानी की ज़रूरत है, मान लीजिए कि 1000 GPM। तो उस GPM को थ्रो करने के लिए फोर्थ फ्लोर तक पंप को जो ताकत चाहिए, उसको जो प्रेशर चाहिए, उसी को हम लोग पंप हेड कैलकुलेशन बोलते हैं। कितना फोर्थ से हम उस पानी को हम डिस्चार्ज करें ताकि वो फोर्थ फ्लोर तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है, और इससे हमारा ये तीन एचयू, एचयू 1, एचयू 2 और एचयू 3 कनेक्ट हो रहा है ये पाइपिंग के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं चिल वाटर सप्लाई, जो चिलर से जा रहा है एचयू में थ्रू पंप, इस सेकेंडरी पंप के द्वारा। ये सेकेंडरी पंप क्या कर रहा है, वाटर को चिलर से लेके सक करके वो डिस्चार्ज कर रहा है एचयू को। उसके बाद एचयू से वाटर चला जाता है, रिटर्न एयर जो जाता है चिलर में, रिटर्न एयर वो इस पंप के द्वारा जाता है। तो इस पंप को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पंप। तो यहाँ पे प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे प्राइमरी पंप क्या करता है, प्राइमरी पंप का काम है कि एचयू से या फिर बिल्डिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उससे क्या करता है, वाटर को सक करके, पानी को सक करके वो थ्रो कर देता है चिलर को, वो चिलर को दे देता है। फिर चिलर में रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसके थ्रू हीट रिजेक्ट होता है, और फिर कूलिंग होने के बाद इवेपोरेटर में फिर वो वाटर यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वो जाता है सेकेंडरी पंप के सक्शन पे। अब सेकेंडरी पंप के सक्शन में क्या होता है, फिर यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है वो डिस्चार्ज करता है हाई प्रेशर वाटर को, और वो चला जाता है फिर एचयू के सक्शन में। एचयू के लिए वो सप्लाई का काम करता है, जिससे फिर हम रूम में ठंडा करते हैं उसको, फिर वो वाटर प्राइमरी पंप से चिलर में जाता है। तो ये साइकिल अगेन एंड अगेन ये रिपीट होते रहता है। फिर इन दोनों के बीच में एक आ जाता है बाईपास लाइन। इस बाईपास लाइन का काम यह है कि मान लीजिए ये दो चिलर है, दो चिलर का GPM मान लीजिए कि 1000 GPM है, और किसी टाइम पे अगर दो ही एचयू चल रहा है, एक एचयू बंद है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना GPM रिक्वायरमेंट है इन दोनों एचयू के द्वारा, उतना GPM क्या करता है, ये सक करेगा और बाकी यहाँ से वो बाईपास होके चला जाएगा चिलर में। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी डिटेल वीडियो, तो आपको वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप समझाने के लिए ये बनाया था। तो आइए चलते हैं, पंप हेड कैलकुलेशन करते हैं। सो पंप हेड कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक ये डायग्राम बनाया हुआ है, एस्केमेटिक डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चिलर है 300 टन का। 300 टन, अगर टन को GPM में कैसे चेंज करते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, मैंने पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको GPM रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता चल जाएगा। तो 1 टन इक्वल टू होता है 2.4 US GPM। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 300 × 2.4 कर देंगे तो ये GPM निकल के आ गया। तो ऐसे ही मैंने ये GPM कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये पंप का सप्लाई है, सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन से वाटर जो है वो जाता है सेकेंडरी पंप में। तो यहाँ पे सेकेंडरी पंप लगा हुआ है, वाटर आया यहाँ से, वाटर आने के बाद ये यहाँ पे एक हेडर बन गया। इस हेडर से पानी जो है पंप के सक्शन में जा रहा है।
यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी पम्प टू बिल्डिंग एच यू और एफ सी यू, तो यहाँ से एच यू और एफ सी यू में जाता है। फिर पम्प क्या करेगा, वाटर को डिस्चार्ज करेगा, हाई प्रेशर वाटर को। फिर वो वाटर आएगा यहाँ पे, एक मेन हेडर चल रहा है, वहाँ से हम सारे एच यू को सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 6 HU है और 50-50 टन का एक एच यू लगा हुआ है, तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से सप्लाई लाइन को। फिर एच यू से रिटर्न जो वाटर है जो जाएगा प्राइमरी पंप में, प्राइमरी पंप यहाँ लगा हुआ है, ये प्राइमरी पंप क्या करेगा जब चल, तो ये सक करेगा यहाँ सक्शन। तो एच यू से जो भी रिटर्न एयर आ रहा है एच यू कॉइल से होते हुए, वो प्राइमरी पंप के सक्शन पे आएगा। अब प्राइमरी पंप क्या करेगा, इसको फिर से डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करने के बाद वो चिलर में भेज देगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये एयर कूल्ड चिलर है, वाटर कूल्ड चिलर का अलग फंडा होता है। वाटर कूल्ड चिलर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग से कूलिंग टावर्स वगैरह होता है, इधर कूलिंग टावर, फिर जो भी हीट रिजेक्ट होता है कंडेंसर के द्वारा वो कूलिंग टावर में हीट रिजेक्ट होता है। तो अब मैंने क्या किया है, जैसे कि ये एक मैंने पाइपिंग कर दिया इसका। पाइपिंग करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं थ्रो हुआ सेकेंडरी पम्प से, सेकेंडरी पम्प कितना GPM थ्रो कर रहा है, 720 GPM, 720 GPM यहाँ से थ्रो कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पाइप साइजिंग इसका कर दिया है, इस पूरे सिस्टम का, स्कीमेटिक का। तो 720 GPM 6 इंच का पाइप चाहिए हमें, और इस यहाँ पे जो अब प्रेशर लॉस है वो 3 पॉइंट, फ्रिक्शन लॉस जो है वो 3.347 है। अब ये कैसे आया, इसको निकालने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, मैंने पाइप डिजाइनिंग, चिल वाटर पाइप डिजाइनिंग का एक वीडियो बनाया था, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। तो 720 GPM हमें चाहिए। तो हम एक एक पाइप को ऐसे चेक करते हैं, 5 इंच में मैक्सिमम 380 GPM है, 6 इंच में है 617 GPM। तो 617 में हम क्या करते हैं कि अपने 720 डाल के देखते हैं। तो आपको क्या शायद क्राइटेरिया याद ही होगा कि 2 इंच पाइप से नीचे हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी के बेस पे पाइप डिज़ाइन करते हैं 4 FPS पे, और 2 इंच से ज़्यादा अगर पाइप हो तो हम फ्रिक्शन हेड लॉस देखते हैं। फ्रिक्शन लॉस वो 4 फीट पर 100 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पाइप साइज अगर 2 इंच से ज़्यादा है और आपका हेड लॉस जो है 4 फीट से अंदर है, बट उस पॉइंट पे क्या है कि आपका फ्लूड वेलोसिटी अगर 4 फीट पर सेकेंड से ज़्यादा भी जा रहा है तो एक्सेप्टेबल है एज पर SRA। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हेड लॉस आया है 3.347, यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.347। इसका यूज हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सेल शीट में, मैं वहाँ डालूँगा तो आप वहाँ देखेंगे कैसे इसका यूज करना है। फिर आ जाइए आप, उसके बाद HU1 लग गया यहाँ पे। अब इस HU का कैपेसिटी है 50 टन, अब 50 टन को हम GPM में चेंज कर देते हैं, तो 50 × 2.4 120 GPM हो गया। अब इस 720 GPM में से 120 निकल गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, 600 GPM। तो सेम 600 GPM 6 इंच का पाइप लगेगा, और यहाँ का फ्रिक्शन लॉस है 2.368 हेड लॉस जो है। फिर उसके बाद इस 600 GPM से 120 GPM पे निकल गया HU2 के लिए, फिर 480 GPM बच गया हमारा, 5 इंच का पाइप है, फ्रिक्शन लॉस ये 3.8 हो गया। उसके बाद 480 GPM से फिर 360 GPM बच गया 120 निकलने के बाद। उसके बाद आ जाइए 360 GPM आ रहा था इस पाइप में, उसके बाद एक और HU मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे HU4, फिर 120 GPM माइनस हो गया यहाँ से, तो बच गया 240 GPM। फिर यहाँ से 240 GPM से 120 GPM और माइनस हो गया यहाँ से, तो फाइनली बच गया 120 GPM जो कि डायरेक्टली यहाँ पे HU6 में जा रहा है ये। तो जो रिमेनिंग GPM बचा हुआ है वो HU6 में आ गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हेडर लगा हुआ है और हेडर से ये मशीन कनेक्ट है यहाँ से। और फिर मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया इसको। अब सेक्शन वाइज जब भी आप हेड लॉस कैलकुलेशन निकालेंगे तो पाइप को आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, ताकि उसका लेंथ डालने में आपको जो भी इक्वलेंट लेंथ डालना है वो डालने में आपको कोई दिक्कत ना आए।
तो मैंने जितना भी सेक्शन है वो मैंने कर दिया, ए से बी कर दिया, बी टू सी कर दिया, फिर सी टू डी, आप डायमेंशन भी दे सकते हैं सबका ऐसे ही, सी डी टू ई, ई एफ जी एच, फिर जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ लास्ट एच यू तक। तो जब भी हम लोग तो जब भी हम पंप हेड कैलकुलेशन करते हैं तो हम एकदम अपना लॉन्गेस्ट रूट हमको चूज करना होता है। अगर आप शॉर्ट कोई एकदम, मान लीजिए कि आप पाइप डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आपका ये पाइप यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे कि इसी एच यू तक, एच यू वन तक अगर आप काउंट करके छोड़ देते हैं, आप यहीं तक कैलकुलेट करते हैं, तो आप पंप जो सेलेक्ट करेंगे वो गलत पंप सेलेक्ट कर लेंगे। जब पंप चलेगा ये सेकेंडरी पंप, तो वो पानी को ये लास्ट एच यू तक थ्रो नहीं कर पाएगा। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप पंप हेड कैलकुलेशन करेंगे तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाइप है, फार्देस्ट जिसको बोलते हैं, उसको आपको लेना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक आएंगे, ये सप्लाई का। तो सेकेंडरी का, जब हम सेकेंडरी पंप का हेड लॉस कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट तक आएंगे। फिर प्राइमरी पंप के लिए हम यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो हम रिड्यूसर लगाएंगे वो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये इनलार्जमेंट होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे उसका। फिर यहाँ पे मैंने एक बना रखा है प्राइमरी चिल्ड वाटर पंप कनेक्शन। पंप कनेक्शन क्या क्या होता है, तो पंप का ये वाला जो देख रहा है चिल्ड वाटर रिटर्न पंप का सक्शन है, सक्शन में एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, दो प्रेशर गेज है, एक स्ट्रेनर है, दोनों साइड का प्रेशर को मेजर करता है स्ट्रेनर, ताकि जब भी कचरा वगैरह फंस जाता है स्ट्रेनर में तो यहाँ प्रेशर अगर लो हो तो पता चल जाएगा। फिर ये दोनों फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, फिर ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, आफ्टर डिस्चार्ज प्रेशर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर ये स्विंग चेक बल्ब लगा हुआ है, चेक बल्ब का काम है कि जो हम डिस्चार्ज करते हैं वाटर वो बैक फ्लो ना करे। फिर यहाँ बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है, बैलेंसिंग वाल्व का काम है कि वाटर को, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना, कितना जीपीएम हमें यहाँ से भेजना है। फिर एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, फिर ये चिल वाटर सप्लाई यहाँ से चला गया। उसके बाद ये सेकेंडरी चिल वाटर पंप है, सेकेंडरी चिल वाटर पंप में ये चिल वाटर रिटर्न है इसका। रिटर्न मतलब पंप का सक्शन है, सक्शन में सेम बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, दो प्रेशर गेज और एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। पंप हो गया, उसके बाद प्रेशर गेज हो गया, फिर चेक वाल्व है। और सेकेंडरी पंप में क्या होता है, एक बाईपास लाइन भी हम डालते हैं। बाईपास लाइन का काम होता है, जब भी इधर से मान लीजिए मोटर ऑपरेटेड वाल्व या बैलेंसिंग वाल्व अगर काम नहीं कर रहा है, या इन केस ऑफ मेंटेनेंस आप ये वाला बटरफ्लाई वाल्व को बंद कर देते हैं, तो यहाँ से सप्लाई चला जाता है बिल्डिंग में। उसके बाद ये एच यू कनेक्शन है, एच यू कनेक्शन और फिर फैन कॉइल यूनिट का कनेक्शन है, तो इसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सेक्शन लेंथ को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, जैसे सेक्शन लेंथ फॉर सेकेंडरी पंप ऑल डायमेंशन आर इन मीटर, तो मैंने अभी मीटर में लिखा है, इसको बाद में फिट में चेंज कर लेंगे। तो ए टू बी, बी टू सी कितना है, 1. ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इसी तरह से हम इसको क्यू टू आर तक मैंने डायमेंशन को लिख लिया है सेक्शन। फिर हम प्राइमरी पंप के लिए भी सेक्शन लेंथ डाल लेंगे, ए से, ए बी से लेके ओ पी तक, यहाँ ए बी से लेके ओ पी तक मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये आते हैं आपका एक्सेल सीट है, इसी सीट पे हम करेंगे पंप हेड कैलकुलेशन। तो इसमें आइए देख लेते हैं। तो मैंने जो सेक्शन डिटेल बनाया था, यहाँ पे हम लोग सेक्शन डिटेल डालेंगे, किस सेक्शन के बीच का हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया वाला पार्ट, डिस्क्रिप्शन में अगर एक पाइप हम जा रहा है, मान लीजिए कि ये पाइप है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पाइप के बीच में कितना आपका रिड्यूसर है, क्या बाल्ब्स हैं, मतलब जो भी पाइप एक्सेसरीज लगा हुआ है उसका डिटेल हमें लिखना होता है। फिर हम वन बाई वन सबका डिटेल डालेंगे। पाइप साइज इन एमएम, तो पाइप जो हम जिस सेक्शन का कर रहे हैं उस पाइप का साइज क्या है, इंच में है। उसके बाद उसका लेंथ, उस पाइप का लेंथ कितना है, मान लीजिए कि हम सेक्शन ए और एल देख रहे हैं, तो
इस सेक्शन ए से लेके एल तक, यहाँ तक इस पाइप का लेंथ कितना है, तो वो लेंथ हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और इस लेंथ को फिर आप फिट में चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 3.28 से। और इसको आप फिर इस सेक्शन में कितना जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो 720 जीपीएम फ्लो हो रहा है। इस एचयू से 720 जीपीएम आया पंप के सेक्शन में, पंप क्या कर दिया, उस 720 जीपीएम को डिस्चार्ज कर दिया। तो इस पॉइंट तक मेरा जो जीपीएम है वो 720 जीपीएम ही है। तो यहाँ से एचयू में जाने के बाद वो जीपीएम फिर से कम हो जाएगा। तो ए से एल तक का जो सेक्शन है वहाँ जीपीएम 720 है। और उस 720 पे हम जब पाइपिंग का साइजिंग किए हैं, 6 इंच का पाइप जो आया है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लॉस है, हेड लॉस जो है, वो 3.347 जो मैंने करके दिखाया था आपको, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट लेंथ डालना होगा। तो आप जब पाइपिंग का डिटेल डालेंगे तो पाइपिंग में इक्विवेलेंट लेंथ नहीं होता है, पाइप में आपका पाइप का खुद का अपना लेंथ है, उस पाइप का लेंथ लेके डाल सकते हैं। ये पाइप का लेंथ डाल दीजिए पाइप लेंथ में। इक्विवेलेंट लेंथ आपको कहाँ डालना है, इक्विवेलेंट लेंथ डालने के लिए जैसे कोई भी वाल्व पाइप एसेसरीज जो भी हैं, तो आपका जो भी यहाँ पे पाइप एसेसरीज है उसके लिए आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ डालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट लेंथ डालने के बाद उसका नंबर ऑफ़ फिटिंग्स भी डालना पड़ेगा कि अगर बटरफ्लाई वाल्व है तो कितना नंबर है, क्योंकि ये जो टोटल इक्विवेलेंट लेंथ निकलेगा वो इन इक्विवेलेंट लेंथ इनटू नंबर ऑफ़ फिटिंग्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे जो एक लेंथ दिया हुआ है इस लेंथ को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देख रहे हैं जैसे आई फाइव और जे फाइव इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला इक्विवेलेंट लेंथ ऐड किया हुआ है। उसके बाद आ गया हेड लॉस। हेड लॉस कैसे निकालेंगे, जो भी इक्विवेलेंट लेंथ आया यहाँ पे, ये फ्रिक्शन लॉस हो गया आपका H4 डिवाइडेड बाई K4। अब क्या करेंगे कि हेड लॉस कैसे निकलता है, तो हेड लॉस का फॉर्मूला है जो भी आपका फ्रिक्शन लॉस आया हुआ है पाइप का हेड लॉस, उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट लेंथ से और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, फ्रिक्शन लॉस इंटू इक्विवेलेंट लेंथ, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यही आ गया 4.828। ऐसे ही करेंगे। तो हम आइए एक एक करके मैं बताता हूँ अब। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी चिल वाटर पम्प हेड लॉस कैलकुलेशन, इसका डिटेल तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब देखिए पाइप, सेक्शन ए और एल के बीच में क्या क्या है। ए और एल के बीच में मेरा एक पाइप है, पाइप लेंथ है, फिर बटरफ्लाई वाल्व है, फिर स्ट्रेनर है, फिर एल्बो है, फिर एनआरबी है और डीआरबी है, और मोटर ऑपरेटेड वाल्व हो गया। डीआरबी का फुल फॉर्म है डबल रेगुलेटिंग वाल्व। तो बटरफ्लाई वाल्व किधर है, तो सप्लाई साइड में हमारा सेकेंडरी पंप में आ जाइए। सेकेंडरी पंप में देखते हैं हम चिलर जो कनेक्शन है। तो अब यहाँ से क्या कर रहा है, चिलर पानी को सप्लाई करेगा सेकेंडरी पंप को। यहाँ पे आप देख लीजिए बटरफ्लाई बल्ब 1 2 3 4 बटरफ्लाई बल्ब हो गया चिलर में, फिर ये पानी जो आ रहा है सेकेंडरी पंप में, फिर सेकेंडरी पंप में यहाँ पे हम लॉन्ग ये वाला अभी रूट में ले रहा हूँ, तो एक पंप का मैं डिटेल डालूंगा, जितना आएगा सेम बेसिस पे आप तीनों पंप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीपीएम को डिवाइड करना होता है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ एक रूट लेके। फिर सेकेंडरी पंप में आ जाइए, फिर 4 वहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व था, फिर ये 5 सेक्शन का 5 हो गया, 6 7 8, तो ये 8 बटरफ्लाई यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रेनर है, एक स्ट्रेनर यहाँ पे है, चिलर के सप्लाई में कोई स्ट्रेनर नहीं है, पंप के सक्शन पे एक स्ट्रेनर है, तो वो स्ट्रेनर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद एल्बो कितना है, तो ए से एल तक आपको एल्बो देखना है कितना एल्बो है। तो ए से एल तक एक एल्बो है, 1 2 3 एक यहाँ, 4 5 6 फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, तो 6 एल्बो है, 6 एल्बो एंटर कर दिया। उसके बाद आपको एनआरबी डालना है चेक वाल्व, तो एक चेक वाल्व यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। चिलर के सप्लाई पे कोई भी चेक वाल्व नहीं है, पंप के सप्लाई पे एक चेक वाल्व यहाँ पे है, तो एक चेक वाल्व यहाँ पे डाल दिया।
फिर आ गया DRB, डबल रेगुलेटिंग वाल्व, और बैलेंसिंग वाल्व भी इसको बोलते हैं। तो बैलेंसिंग वाल्व कितना है, चिलर के सप्लाई पे बैलेंसिंग वाल्व एक यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद आपका एक यहाँ पे पंप के डिस्चार्ज पे भी बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है। दो बैलेंसिंग वाल्व हो गया, सेम वैसे ही दो मोटर ऑपरेटेड वाल्व है, एक ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व है, एक ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व है। तो मोटर ऑपरेटेड वाल्व का काम होता है कि वो एज पर GPM रिक्वायरमेंट वो फ्लो को कंट्रोल करता है भाई। एक्चुएटर लगा हुआ था उसमें। तो आइए इस सेक्शन का हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो इस सेक्शन में करने के लिए मैं पाइप ले लिया, मैंने 6 इंच का पाइप है, ए से एल तक जो पाइप है 6 इंच है। उसके बाद इसका लेंथ टोटल है अप्रॉक्स 44 मीटर। तो जैसे आपने यहाँ पे सेक्शन निकाला था ना, सबसे सेक्शन डिटेल, तो आप एल तक आप काउंट कीजिएगा, K to LL तक। तो मैंने काउंट किया, ये टोटल ये 44 मीटर है। तो 44 मीटर को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3.28 से, तो ये फिट में चेंज हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे GPM डाल दिया, 720 GPM है, ए से एल तक के सेक्शन में 720 GPM है। फिर उस GPM को लीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 720 से। उसके बाद फ्रिक्शन लॉस डाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट एल तक हमारा 6 इंच का पाइप है, और 6 इंच का फ्रिक्शन लॉस हेड लॉस है 3.3। तो मैंने ये पूरा हेड लॉस डाल दिया 6 इंच के पाइप में 3.3, ठीक है। सेम वैसे ही उसके बाद कोई इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है पाइपिंग का, फिटिंग्स भी नहीं है इसमें, इस पाइप में ये स्ट्रेट पाइप है पूरा। फिटिंग का डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है। फिर इक्विवेलेंट लेंथ क्या आया, I4 इक्विवेलेंट लेंथ इंटू फिटिंग प्लस ये लेंथ डाल दिया 144। तो 144 यहाँ से आ गया भाई फार्मूला। तो आइए फिर देखते हैं बटरफ्लाई वाल्व। अब बटरफ्लाई वाल्व 6 इंच का पाइपिंग है, इधर जो भी बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, चाहे वो चिलर का हो पंप का हो, 6 इंच के पाइप में ही लगा हुआ है। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व का कोई लेंथ नहीं है, उसका इक्विवेलेंट लेंथ हम लोग एक चार्ट से देख के डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद 720 GPM फ्लो हो रहा है उस बटरफ्लाई वाल्व से, उसका फ्रिक्शन लॉस 3.34 है। उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ के लिए हमें एक चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो ये चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, जो भी पाइप एसेसरीज का जो फिटिंग लॉस होता है वो यहाँ पे लॉस दिया हुआ है पर फिट ऑफ पाइप, इक्विवेलेंट फिट ऑफ पाइप। तो अब मेरा क्या था अभी बटरफ्लाई वाल्व, अब बटरफ्लाई वाल्व 6 इंच का था। तो इस चार्ट में हम जाएंगे, इस चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई कहीं पे नहीं है। बटरफ्लाई वाल्व और गेट वाल्व का फंक्शन सिमिलर ही होता है, तो हम गेट वाल्व का यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल। 6 इंच का पाइप है और गेट वाल्व पे हम आएंगे, ये 7, यहाँ पे ये देखिए 7 गेट वाल्व। तो इसका इक्विवेलेंट लेंथ डाल दिया मैंने 7, और जो नंबर ऑफ फिटिंग टोटल जो गेट वाल्व था वो 8 गेट वाल्व था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 56 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये लेंथ भी इसमें इक्वल करना था, ऐड करना था। तो ये 0 है, तो 8 7 56 ये आ गया। 56 आने के बाद ये 1.87 कैसे आ गया, जो भी यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस इंटू इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो ये आ गया 1.87। तो 3.347 कर दीजिए, 3.347 इंटू आ गया 56 डिवाइडेड बाई कर दीजिए 100, 1.87, यही 1.87 हेड लॉस आ गया बटरफ्लाई के लिए। सेम स्ट्रेनर के लिए आ गया, ए टू एल वाले पोर्शन में स्ट्रेनर है, 6 इंच का स्ट्रेनर है, कोई इक्विवेलेंट लेंथ इसका नहीं है लेंथ स्ट्रेनर का। GPM 720 GPM ही फ्लो कर रहा है, और उस सेक्शन में फ्रिक्शन लॉस है 3.3, और इक्विवेलेंट लेंथ अब डाल देते हैं इसका स्ट्रेनर का। तो जो स्ट्रेनर हम वाई टाइप स्ट्रेनर लगाए हैं फ्लेंज टाइप, तो फ्लेंज टाइप स्ट्रेनर का यहाँ से 6 इंच का देख के आप यहाँ से इक्विवेलेंट लेंथ इसका डाल दीजिए 110, 6 इंच फ्लेंज टाइप कितना आ रहा है 110, तो यहाँ डाल दीजिए 110। नंबर ऑफ स्ट्रेनर कितना था 1,
वैसे ही 110 आ गया, यहाँ पे हेड लॉस निकल के आ गया। पैरलर ही ये पैरलर आपका हेड लॉस भी निकलता आएगा, आप इन यहाँ पे इनपुट डालिएगा, आउटपुट निकल के आ जाएगा। फिर आपका आ गया एल्बो, नंबर ऑफ एल्बो कितने थे, 6 थे। ये जो भी ये वाला एल्बो दिख रहा है जितना कॉर्नर है, तो 6 एल्बो था, 6 एल्बो है उसका। एल्बो का कोई लेंथ वेंथ नहीं है उसका, हम इक्विवेलेंट लेंथ डालेंगे यहाँ पे, 720 जीपीएम ही फॉलो कर रहा है। फ्रिक्शन लॉस भी 3.3 है। अब 10 कहाँ से आया, अब 10 लाने के लिए आपको जाना है इसी चार्ट के दूसरे पेज पे। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं फिटिंग लॉस है जीन इक्विवेलेंट फिट ऑफ पाइप, तो स्मूथ बेंड एल्बो है और स्मूथ बेंड टी है, तो हम बेंड देखेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड रेडियस वाला एल्बो नहीं लगा रहे हैं, हम लॉन्ग रेडियस वाला एल्बो है, तो हम ये लॉन्ग, अगर आपका रेडियस फैक्ट्री फैब्रिकेटेड अगर स्टैंडर्ड 90 डिग्री एल्बो आ रहा है, लॉन्ग नहीं है, तो ये वाला वैल्यू आप चूज कीजिए। अगर 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस है तो ये वाला वैल्यू चूज कीजिए। तो 6 इंच का मेरा पाइप है और ये लॉन्ग रेडियस, तो इक्विवेलेंट लेंथ इसका 10 है, तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं 10, और नंबर ऑफ एल्बो 6 था तो ये 60 आ गया। फिर उसका हेड लॉस भी निकल के आ गया यहाँ पे। सेम वैसे ही NRV चेक वाल्व, अब सेम A12 के सेक्शन में, इस सेक्शन में पॉइंट ए से लेके एल तक हमारे चिलर और पंप में जो चेक वाल्व लगा हुआ है, वो चेक वाल्व का वैल्यू मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। एक चेक वाल्व है जो कि सेकेंडरी पंप के डिस्चार्ज पे है, 720 जीपीएम फ्लो होगा 3.3, और इसका जो है इक्विवेलेंट लेंथ वो 60 है। तो NRV चेक वाल्व का देख लेते हैं क्या है। ये हमारा है स्विंग चेक वाल्व लगा है, तो मैं स्विंग चेक वाल्व का डिटेल डालूँगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे। कहाँ गया स्विंग चेक वाल्व, तो स्विंग चेक वाल्व का डिटेल डाल देते हैं। 6 इंच का पाइप है, स्विंग चेक वाल्व ये वैल्यू है 60। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ इसका वैल्यू 60, और नंबर ऑफ फिटिंग से ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो इसका फिट हेड लॉस आ गया 2। सेम वैसे ही बैलेंसिंग वाल्व DRV का निकाल देंगे, 6 इंच का पाइप है, 720 जीपीएम फ्लो हो रहा है, फ्रिक्शन रेट 3.3 है, इक्विवेलेंट इसका 70 है। 70 कैसे है, तो हम स्टेनर जो यूज DRV जो हम यूज कर रहे हैं वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री DRV ये जो जैसे देख रहे हैं हैंडल, ये मैनुअली कंट्रोलिंग के लिए होता है, तो 45 डिग्री ये दिखा रखा है। अगर 90 डिग्री होता तो ये स्ट्रेट रहेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो 6 इंच का है और 45 तो यहाँ पे दिया हुआ है 70, यहाँ पे 70 मैंने डाल दिया। तो 2 गो बैलेंसिंग वाल्व था तो 140 आ गया इसका, तो 4.69। फिर MOB है, मोटर ऑपरेटेड वाल्व। मोटर ऑपरेटेड वाल्व जैसे कि आप इस चार्ट में आप देखेंगे मोटर ऑपरेटेड वाल्व नहीं दिया हुआ है, तो गेट ग्लू वाल्व जो है वो भी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपके साइट पे अगर मोटर ऑपरेटेड वाल्व लगा हुआ है तो आप मैन्युफैक्चरर से उसका वाल्व लॉस मांग सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ग्लोब वाल्व का ही डिटेल डाल देता हूँ। तो 6 इंच का पाइप था, ग्लोब वाल्व 170 आ गया इसका इक्विवेलेंट लेंथ, 2 MOB लगा हुआ है तो इसका आ गया 11.38। सेम वैसे ही अब आते हैं सेक्शन L और M में। ये सेक्शन सेक्शन L और M में आप अब यहाँ पे आप साइज को कंपेयर कीजिए, यहाँ 6 इंच का पाइप था, यहाँ भी 6 इंच का पाइप है, लेकिन 120 जीपीएम निकल गया है। तो 120 जीपीएम भी निकलने के बाद पाइप आपका सिमिलर है, और यहाँ पे रिड्यूसर कोई भी नहीं है, तो कोई पाइप एक्सेसरीज नहीं है, सिंगल सिंपल सा स्ट्रेट पाइप है आपका। तो यहाँ पे स्ट्रेट पाइप है, एल और एम में सिर्फ पाइप है, तो 6 इंच का पाइप है, इसका लेंथ है पाइप का 4 मीटर, उसके बाद फीट में चेंज हो गया 13 फीट, इससे GPM फ्लो कर रहा है 600, 600 GPM फ्लो कर रहा है, GPM को यहाँ पे लीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, और 6 इंच साइज पे आपका जो हेड लॉस फ्रिक्शन लॉस है वो 2.3 है, तो वो डिटेल यहाँ पे डाल दिया। पाइप में कोई भी इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है, उसका खुद का पाइप का लेंथ है स्ट्रेट लेंथ, वो डाल दिया यहाँ पे, तो ये आ गया इसका पाइप का हेड लॉस। फिर आते हैं हम सेक्शन M और N में। ये सेक्शन M और N,
अब यहाँ पे आप दोनों के साइज़ को कंपेयर कीजिए, यहाँ 600 GPM था, यहाँ 480 GPM हो गया, साइज़ यहाँ पे 6 इंच था, यहाँ पे 5 इंच हो गया। तो यहाँ ये जो HU है, इस HU के लगाने के बाद आप इधर कहीं पे एक रिड्यूसर लगाएंगे, तो वो रिड्यूसर आ गया ना M और N के बीच में, M और N के बीच में एक रिड्यूसर आ गया, तो वही यहाँ पे डाला हुआ है, एक पाइप और एक रिड्यूसर है। अब उस पाइप और रिड्यूसर का साइज़ कितना है, तो 5 इंच का है। यहाँ पे जो रिड्यूसर लगेगा वो 5 इंच का ही लगेगा, क्योंकि साइज है पाइप का 5 इंच, और पाइप का लेंथ 4 मीटर है। रिड्यूसर का हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ डालेंगे। उसके बाद 480 GPM फ्लो हो रहा है इस सेक्शन से, 480 GPM। उसके बाद जो इसका फ्रिक्शन लॉस जो है इस पाइप का, 5 इंच पे 480 GPM पे 3.895। आप पाइप साइजर में जब डालेंगे तो ये डिटेल आएगा, आप वहाँ से इसको लिखना पड़ेगा आपको। फिर पाइप का हो गया, यहाँ पे पाइप का हेड लॉस निकल के आ गया। अब हमें रिड्यूसर का हेड लॉस निकालना है। अब रिड्यूसर का हेड लॉस निकालने के लिए हमें रिड्यूसर का इक्विवेलेंट लेंथ डालना पड़ेगा। तो रिड्यूसर के इक्विवेलेंट लेंथ डालने के लिए आपको जाना है किसी दूसरे सीट पे जाना है आपको। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सडन इनलार्जमेंट हो रहा है और सडन कंट्रैक्शन हो रहा है। तो हमारा क्या है कि बिगर डायमीटर से डायमीटर लो हो रहा है, तो सडन कंट्रैक्शन हो रहा है। तो हम इस वाले एरिया में हम अपना ढूंढेंगे क्या होगा। तो अभी हमारे पाइप का साइज़ क्या था, 5 इंच का था पाइप, तो 5 इंच का पाइप हो गया। अब लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें चूज कौन सा करना है। तो जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे सडन कॉन्ट्रेक्शन में स्मॉल डी बाई कैपिटल डी देख दे रखा है, तो स्मॉल डी कितना था, स्मॉल डी जो रिड्यूस होने के बाद आ रहा है, वो 5 इंच आ रहा है ना रिड्यूस होने के बाद, 5 इंच डिवाइडेड बाई जो उससे पहले जो बिगर डाया था वो 6 इंच का था, तो डिवाइड बाई कर देंगे हम 6 से, तो अपना वैल्यू कितना आ गया, 8.3। अब यहाँ पे 8.3 आपको इस चार्ट में 8.3 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर 3/4 को अगर डिवाइड करेंगे 3/4 को, तो ये अप्रोक्स 0.75 आएगा। तो 7.5 और 8.3 नियरली इक्वली है, तो हम 3/4 के वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो 5 इंच का पाइप था मेरा, और 3/4 पे कितना इक्विवेलेंट लेंथ आ गया, 5। थोड़ा जूम कर दें, 5 इंच के पाइप पे ये 5 आ गया 3/4 पे। फिर नंबर ऑफ फिटिंग रिड्यूसर, एक ही रिड्यूसर लगा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट लेंथ निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करके E13 ये वाला जोड़ दिया इसमें, फिर इसका हेड लॉस निकल के आ गया। अब नेक्स्ट है सेक्शन एन और ओ। ये एन और ओ सेक्शन में देखिए, यहाँ पे GPM जो था हमारा 480 GPM था, लेकिन यहाँ पे 120 GPM निकल गया, तो रिमेनिंग 360 GPM है, लेकिन पाइप साइज सेम है, तो यहाँ पे कोई रिड्यूसर नहीं लग रहा है, स्ट्रेट पाइप है सिंपल सा, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंच का पाइप है, 4 4 फिट इसका लेंथ है पाइप का, पाइप का लेंथ है 4 4 मीटर, फिट में आ गया 12 13 फिट, लीटर पर सेकंड आ गया 22। उसका GPM 360 GPM फ्लो रहा है सेक्शन में। उसके बाद उसका फ्रिक्शन लॉस जो है 2.2 है, पाइप का इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है, यहाँ पे मैंने लेंथ डाल दिया उसका, तो ये निकल के आ गया हेड लॉस पाइप का। फिर आ गया सेक्शन ओ एंड पी। सेक्शन ओ एंड पी में देखो आप ध्यान से, ओ एंड पी फिर साइज को कंपेयर करो, साइज कंपेयर करो, यहाँ पे कितना चल रहा है 360 GPM, 5 इंच का पाइप है, और यहाँ पे कितना चल रहा है 240 GPM, 4 इंच का पाइप, तो रिड्यूस हो रहा है ना, ये वाला चीज़ हो रहा है ना, सडन कॉन्ट्रेक्शन बिगर डायमीटर टू स्मॉलर डायमीटर। फिर हम क्या करेंगे, दोनों डायमीटर को डिवाइड करेंगे, स्मॉल डाया बाई स्मॉल डाया 4 है डिवाइड बाई बिगर डाया, तो ये आ गया 4.8, सॉरी ये आ गया 0.8। तो अब देखेंगे 0.8 में इस सेक्शन में पाइप का साइज क्या था, 4 इंच। 4 इंच पाइप में अब जाएंगे हम सडन कॉन्ट्रेक्शन में, 4 इंच में सडन कॉन्ट्रेक्शन 3.3/4 पे ये कितना आ रहा है 3.8, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया मैंने 3.8। रिड्यूसर कितना है, एक है, तो
तो टोटल इक्विवेलेंट लेंथ कितना आ गया 3.8 और हेड लॉस आ गया 0.12। फिर अब देखेंगे पी और क्यू, सेक्शन पी और क्यू के बीच में, सेक्शन पी एंड क्यू के बीच में। फिर साइज को कंपेयर कीजिए, ये मेन फंडा है, मतलब आप कंपेयर करते चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस पाइप के बीच में क्या लगा हुआ है। एक इमेजिन भी करना होता है थोड़ा यहाँ, क्योंकि आप प्रॉपर ड्राइंग जब बनाएंगे तो वहाँ वाल्व फिटिंग रिड्यूसर वगैरह दिखेगा। तो बिगर डाया स्मॉलर डाया डिवाइडेड बाई बिगर डाया हम कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें लगा हुआ क्या क्या है। तो रिड्यूस हो रहा है तो एक यहाँ पर रिड्यूसर लगा हुआ है, स्ट्रेट पाइप है और ये यहाँ पर एक टी लगा हुआ है। तो तीन चीज़ लगा हुआ है, पाइप, रिड्यूसर एंड नो डिडक्शन टी। तो रिड्यूसर का हम देखते हैं पहले, रिड्यूसर का इक्विवेलेंट लेंथ देखने के लिए आपको फिर से 3 इंच डिवाइडेड बाई 4 इंच कर दीजिए, ये 0.75 एग्जैक्ट आ गया। तो 3 इंच का साइज है, तो 3 इंच पे आप देख लीजिए 2.6 आ रहा है, ये 2.6 इंटर कर दिया और इसका नंबर ऑफ रिड्यूसर 1 है, निकल के आ गया ये हेड लॉस। फिर आप देखते हैं नो रिडक्शन टी, नो रिडक्शन टी 3 इंच का पाइप है आपका, इक्विवेलेंट लेंथ क्या नहीं है मैं चार्ट से देख के डालेंगे। उसके बाद 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है इस पाइप से, 3 इंच के पाइप से। इसका फ्रिक्शन लॉस कितना है 3.4। उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ इसका हम देखते हैं कितना होगा, तो नो रिडक्शन टी का हम इक्विवेलेंट लेंथ डालेंगे। उसके लिए जाना पड़ेगा हमें साइड चार्ट में, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्मूथ बेंड एंड टीज में, इसमें आप देखिए फ्लो थ्रू ब्रांच, ब्रांच से फ्लो करा रहे हैं, नो रिडक्शन थ्री टी है। तो रिड्यूसर का तो मैंने निकाल लिया, उसके बाद आ गया ये टी, 3 इंच का पाइप है यहाँ पे, 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है इस यहाँ से, ये टी लगा हुआ है। उसके बाद ये पाइप आप बंद हो रहा है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे एल्बो भी लग सकता है एक, एक सौ बीस जी पी एम ही बचा हुआ है, तो हम यहाँ से यहाँ पे एल्बो लगा के डायरेक्ट हम भेज देते हैं वाटर को एच यू के अंदर। तो यहाँ पे एल्बो लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं टी हटा के मैं लिख देता हूँ एल्बो। अब कितना एल्बो है, नंबर ऑफ एल्बो 1 एल्बो है, लॉन्ग रेडियस एल्बो है, 3 इंच का पाइप है, 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो एल्बो का कितना हो जाएगा 3 इंच का 5 हो जाएगा इसका वैल्यू, 5 डाल दिया, एक एल्बो है। उसके बाद आ जाइए क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में। अब क्यू और आर क्या है, एच यू का कनेक्शन है। अब एच यू का कनेक्शन कौन सा है, सप्लाई वाला कनेक्शन है, तो ये वाला सप्लाई लाइन आ रहा है एच यू के अंदर। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक गेट वाल्व है, एक स्ट्रेनर है और क्या है, और एक स्ट्रेट पाइप है, बस पाइप है, गेट वाल्व है, स्ट्रेनर है। तो पाइप 3 इंच का पाइप है, लेंथ जो है पाइप का 1.4 मीटर है, पाइप का लेंथ 1.4 मीटर है। उसके बाद 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस हो गया और पाइप का इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे डाल दिया हुआ है, तो इसका निकल के आ गया 0.16। फिर आ गया गेट वाल्व, गेट वाल्व 3 इंच का है, 120 जीपीएम फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो गेट वाल्व का भी इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे डाल देते हैं। तो गेट वाल्व का इक्विवेलेंट लेंथ डालने के लिए आपको जाना है इसी चार्ट पे फिर से, ये गेट वाल्व है कितना 3 इंच का गेट वाल्व है यहाँ पे, तो ये आ गया 3.2, ये आ गया 3.2। फिर ये इसका हेड लॉस निकल के आ गया, स्ट्रेनर का भी 3 इंच का देख लीजिए, ये स्ट्रेनर लगा हुआ है फ्लेंस टाइप 3 इंच का, ये आ गया 42, स्ट्रेनर के आ गया 42। तो फाइनली हमने सेकेंडरी चिल वाटर लाइन का हेड लॉस कैलकुलेशन कर लिया है, पंप हेड कैलकुलेशन। अब ये टोटल जो है, टोटल आ गया अपना 34.76, ये पंप हेड आ गया फीट में। अब फीट को मैंने चेंज कर दिया मीटर में, डिवाइडेड बाई 3.28। फिर अब इसमें क्या करेंगे, हम सेफ्टी फैक्टर ऐड कर देंगे 15%, इन दोनों में 15% ऐड कर दिया मैंने,
जो भी है मल्टीप्लाई कर दे फिर 15 से डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आ गया। फिर हम ये 34 और जो भी फिट का वैल्यू था वो हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो 34 प्लस ये 5 कितना हुआ, 39.97। तो हेड लॉस जो आ गया अपना फिट में 39.97 अप्रॉक्स 40 फीट आ गया, फीट में हम लोग निकालते हैं। सेम फिर उसका हम पंप का एचपी कनेक्शन करने के लिए जो हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, जीपीएम इनटू हेड, जो भी हेड आप कैलकुलेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 होता है, उसको डिवाइड कर देंगे 3960 इनटू एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो अभी जो हम पंप का जो एफिशिएंसी ले रहे हैं वो 85% ले रहे हैं, तो सेम वो वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देंगे। 720 GPM था अपना L29, L29 ये जो हेड लॉस निकल के आया है इनटू 1 कर दिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3960 और 0.85 आपका हो गया 85% एफिशिएंसी। तो ये निकल के आ गया पंप का टोटल एचपी यहाँ पे आ गया 9.83 और किलोवाट आ गया 7.33। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी चिल वाटर पंप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अभी मैंने एक पंप का करके दिखाया है, आप ऐसे ही बहुत सारे पंप का कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्राइमरी चिल वाटर पंप का हेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पंप हेड कैलकुलेशन करने के लिए सेम हम यहाँ से वापस आएंगे, PO, ON, NM, ये सब सेक्शन है, PO, ON, NM। तो इस सेक्शन में आपको देखते जाना है, पाइप है, गेट वाल्व है। अब जैसे PO वाला सेक्शन था, आप सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस आपको जब ये सेलेक्ट करेंगे ना पाइप फिटिंग, तो आपको सडन इनलार्जमेंट ये वाला वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है। जो भी रिड्यूसर का जब वैल्यू आप ऐड करेंगे तो वो इनलार्जमेंट वाला वैल्यू आप यहाँ पे से सेलेक्ट कीजिए। तो इनलार्ज जो भी स्मॉलर डाया जिससे आपका इनलार्ज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से इनलार्ज हो रहा है 3 इंच से ये हो जा रहा है 4 इंच, तो 3 3 बाई 4 स्मॉलर बाई बिगर, उस तरीके से आपको यहाँ से इस वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा साइज बाई साइज। तो इसका ये मैंने किया हुआ है। अब PO वाला जो सेक्शन है, PO सेक्शन है जो HU कनेक्शन है, तो HU कनेक्शन के लिए आपको HU का रिटर्न का कनेक्शन देखना होगा। अब रिटर्न के कनेक्शन में क्या क्या होता है, 2 गेट वाल्व है, 3 गेट वाल्व, 2 गेट वाल्व है, एक ग्लोब वाल्व है, एक MOV है और एक स्ट्रेट पाइप है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक पाइप है, 2 गेट वाल्व है, एक ग्लोब वाल्व है और एक MOV है, उनका एक वैलेंट लेंथ मैंने डाल दिया उससे देख के। सेम जैसे एक क्रॉस चेक कर देते हैं आप, आपके लिए 3 इंच का रिड्यूसर है, 2.6 इक्विवेलेंट लेंथ आया हुआ है इसका। तो यहाँ से मैंने इसका सेलेक्ट किया है, 3 इंच का रिड्यूसर है और इसका इक्विवेलेंट लेंथ अगर आप लेते कॉन्ट्रैक्शन वाले में 2.6 है और इनलार्जमेंट में भी 2.6 है, लेकिन ये 1/2 हाफ इंच पे इसका वैल्यू 4.9 है तो 8 है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा जब आप वापस आएंगे एचयू से प्राइमरी पंप में जाएंगे, तो इनलार्जमेंट आप लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। शायद ऐसा वीडियो नहीं है यूट्यूब पे कोई भी, इस तरीके का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आप वीडियो को देखेंगे अगर प्रॉपर माइंड को कंसंट्रेट करके, तो शायद कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये बेसिक मैंने बता दिया, अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे कैलकुलेशन करना है तो उसका कैलकुलेशन सेम प्रोसेस पे ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा। जैसे सेक्शन वगैरह डिवाइड करना है और चिलर टू सबसे लास्ट लॉन्गेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट पाइप को ही आप सेलेक्ट करके, जैसे कि डक्टिंग के लिए जो स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिक प्रेशर के लिए ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, तो ऐसे ही हम डक्ट का सबसे लास्ट वाला पॉइंट पकड़ते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को कौन सा वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।